हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी ये तो इजी है चैनल में। दोस्तों ये चैनल जी ये तो इजी है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया है। तो आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करेंगे मैथमेटिक्स का कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ने के क्या एडवांटेज हैं, क्या उससे आपको जीवन में फ़ायदे मिलेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे चैनल का। मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथमेटिक्स एक ऐसा टर्म है जो हमारे दिमाग में आते ही पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी गुणा भाग जोड़ घटा कैलकुलस एलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री इत्यादि पता नहीं कितनी ही डरावनी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों मैथमेटिक्स इतनी भी डरावनी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक सब्जेक्ट है जो आपको आपके बिना जाने ही पता नहीं कितने एडवांटेज आपको दे देता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नीड ऑफ मैथमेटिक्स। नीड ऑफ मैथमेटिक्स क्यों है, क्यों हमें मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, जो हमारे इस वीडियो का मुख्य शीर्षक है कि क्यों हम मैथमेटिक्स पढ़ें। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही जानते हैं दोस्तों, चाहे कोई कितना ही अनपढ़ भी व्यक्ति क्यों ना हो, हिसाब वो जोड़ गुणा घटा भाग तो करता ही है, क्योंकि उसे दुकानदार से राशन लेना है, कई लोगों से रुपए पैसे का लेन देन करना है। तो डेली नीड्स जो है हमारी, जैसे ट्रांजेक्शन्स की हैं, जैसे हम कहते हैं मार्केट ट्रांजेक्शन, सेल परचेस, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप ग्राहक हैं, चाहे आप किसी एक स्थायी दुकान के ग्राहक हैं या आप किसी वेंडर के ग्राहक हैं, किसी दूध वाले के ग्राहक हैं, सब्जी वाले के ग्राहक हैं, आपको रुपए का लेन देन में तो गणित, ये तो सामान्य सी बात है, गणित को आपको नॉलेज होनी चाहिए, वरना कोई भी आपको हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपका गणित ठीक नहीं है, जोड़ गुणा भाग ठीक नहीं है तो। दूसरा, हम आजकल देखते हैं मार्केट में कितनी ही कंपनीज डिस्काउंट सेल्स देती हैं, और वो उनके सेल्स होते हैं जैसे एक शर्ट पे एक और शर्ट फ्री, और दूसरा एक ऑफर है 50% ऑफ। तो दोनों ऑफर में से कौन सा ऑफर ज़्यादा अच्छा है, 50% ऑफ वाला या एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री? दिखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 50% ऑफ शर्ट वाला ऑफर ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको अपनी जेब से कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और फिर भी आपको, अगर आपको दो शर्ट लेनी है तो आप दुगने पैसे में, यानी एक शर्ट के पैसे में दो शर्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री है तो आपको दो शर्ट लेनी ही है। तो क्या हम मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं? ये छोटी छोटी बातें आप अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स से ही सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स आपको सिखाती है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स से ये सीखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, किसको मुझे टाइम पहले देना है, किसको टाइम बाद में देना है। अभी हम अगली स्लाइड्स में आपको बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट में कैसे मैथमेटिक्स आपको सहयोग देती है। मैथमेटिक्स से दोस्तों बहुत ही आपकी क्वालिटीज़, कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी गिनती नहीं है, मैंने यहाँ थोड़ी बहुत डिफाइन की हैं, लेकिन जिनकी गिनती नहीं है, जो आप समझेंगे भी नहीं, आपके बिना जाने ही आपकी वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। जैसे पहली क्वालिटी मैं कहूँगा डिसिप्लिन, क्योंकि मैथमेटिक्स नियम से चलती है दोस्तों, इसके नियम हैं, इसके सूत्र हैं। आप अगर बॉर्ड मास का नियम है, आपको पहले ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, आप पहले डिवीज़न नहीं कर सकते। तो आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप कुछ नियम पढ़ते हैं, कुछ उसमें दायरे होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जिनके अंतर्गत कोई प्रमेय सिद्ध होती है या प्रमेय लागू होती है, वो कुछ दायरे होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है, उनके कुछ डिसिप्लिन होते हैं। तो जब आप उस डिसिप्लिन में चलते हैं, आपको मालूम होता है कि ये क्या नियम है, ये क्या कायदे के अंदर ये प्रमेय लागू होगी, ये मैथमेटिक्स का जो डिसिप्लिन है, ये मैथमेटिक्स आपको बिना अनायास ही, मैथमेटिक्स आपको डिसिप्लिन सिखा देती है। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के अच्छे और सच्चे स्टूडेंट हैं तो आप डिसिप्लिन से कभी भी घबराएंगे नहीं, वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में अनायास ही
प्रवेश कर जाएगा। दूसरा है लॉजिकल थिंकिंग। ऑब्वियसली जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बिना तार्किक सोच के, बिना कुछ समझे आप अपना प्रश्न हल करना या मैथमेटिक्स को शुरू करना या उसको सॉल्व करना शुरू नहीं कर सकते जब तक आप उसमें कुछ उसका तार्किक रूप से उसको सोचे नहीं। बिना आप तार्किक रूप से सोचे मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सच्चे विद्यार्थी जो है मैथमेटिक्स के, सच्चे विद्यार्थी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ना और उसको, और सिर्फ पढ़ना और उसको ठीक से पढ़ने में फ़र्क है। ये जो फ़ायदे हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ते हैं, जो उसके सच्चे विद्यार्थी होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ सच्चे विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। तो लॉजिकल थिंकिंग सच्चे विद्यार्थियों को ही आएगी, क्योंकि वही तर्क रूप, कोई तर्क लेके, कोई तर्क के सहारे आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी प्रमेय को सॉल्व करने में, किसी थ्योरी को समझने में वो लॉजिकल थिंकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। कंपेयरिंग स्किल, दो चीज़ों को कंपेयर करना, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि आपको दो चीज़ों में कंपेयर करना जाएगा। जैसे जो डिस्काउंट की बात मैं कर रहा था वो भी कंपेयरिंग है कि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है या ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो कंपेयर आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको अनायास ही सिखा देगी। इमेजिनेशन पावर, कुछ मैथमेटिक्स की समस्याएं ऐसी होती हैं दोस्तों, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी जब आप उसमें इतने दक्ष हो जाते हैं तब आप बिना फिगर बनाए सोच सकते हैं। जैसे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री का मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आप उसे सॉल्व करते हैं तो आप इमेजिनेशन ही कर सकते हैं कि बिल्डिंग कैसी होगी, कैसा उन्नयन कोण होगा, कैसा अवनमन कोण होगा, क्या होगा, तो आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, ये प्रश्न कहाँ तक जाएगा, इसकी सीमा क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। तो आपकी इमेजिनेशन पावर ना चाहते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो डेवलप हो जाएगी। आपको अगर कोई सिचुएशन रियल लाइफ में दी जाए आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े आराम से सोच सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा इसका कॉन्सिक्वेंसेस, आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करेगा। फोकस, तो मैथमेटिक्स दोस्तों आपकी फोकसिंग स्किल भी बढ़ाती है। बिना फोकस किए आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फोकस तो होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे अपने एम के लिए, एम पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फोकस ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। मैथमेटिक्स आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया एक टूल है, टूल भी है, एक सब्जेक्ट है जो आपकी फोकस करने की क्षमता को बढ़ाता है। सीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तो स्वतः सिद्ध है दोस्तों कि मैथमेटिक्स से, अगर आप मैथमेटिक्स को के सच्चे विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर खोजने की क्षमता और समझने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, और वो खोजने की और समझने की क्षमता जो है आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आप हों, व्यवसायी हों, विद्यार्थी हों, एंटरप्रेन्योर हों, कुछ भी हों, आपको वो जो ये स्किल है सीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की, ये आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आपसे मैथमेटिक्स में कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उसको कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक तरीके से हो जाए, फिर भी आप दूसरे तरीके से उसको, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल है, मैथमेटिक्स में जैसे ईश्वर एक है, ईश्वर एक है लेकिन उसको पाने के माध्यम अलग अलग हैं, ऐसे ही उत्तर एक है लेकिन उसको पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हो सकता है, कैलकुलेशन का मेथड हो सकता है, लेकिन उत्तर एक ही आएगा। तो आपको और अलग तरीके मेथड डेवलप करने की कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं उत्तर के लिए, आपको सीकिंग पावर आपकी जो यह है मैथमेटिक्स डेवलप करेगी। एनालाइजिंग पावर, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करना,
किसी भी दी हुई परिस्थिति जो हमें क्वेश्चन में हमें मैथमेटिक्स में दी जाती है कि ये परिस्थिति है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये हम भी अनायास सीख जाते हैं कि ये परिस्थितियां हैं, ये गिवन है जीवन में, मेरे पास ये सोर्सेज हैं और मुझसे मुझे इससे ये आउटपुट लेके आना है, मुझे इससे ये आंसर लेके आना है, अब मैं क्या करूँ। तो आपकी एनालिसिंग पावर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपको सिर्फ केवल इस सब्जेक्ट को हल करने में नहीं, सिर्फ मार्क्स स्कोर करने में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको ये एनालिसिंग पावर आपको सहयोग देगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बिना मैथमेटिक्स के आप सोच भी नहीं सकते कि हम कोई कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और सबसे आखिरी जो मैंने इसमें मेंशन किया है वो है पॉजिटिविटी। दोस्तों इसके बहुत सारे गुण हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन मैंने केवल कुछ ही कलेक्ट करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वरना इसकी तो एक पूरी रेंज हो सकती है। जो मुझे लगा मुख्य मुख्य कि मुझे बताने चाहिए इस 10-15 मिनट के वीडियो में, वो मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिविटी, अब आप पूछोगे कि पॉजिटिविटी कैसे डेवलप होती है, तो पॉजिटिविटी ऐसे दोस्तों, सिंपली आपने कोई मैथ का क्वेश्चन किया, आपसे वो आंसर नहीं हुआ, आप निराश होकर नहीं बैठते, अगर आप मैथमेटिक्स के सच्चे विद्यार्थी हैं तो आप निराश नहीं होंगे, आप कोई और तरीका ढूंढेंगे। ऐसे ही जीवन में अगर हम किसी भी क्षेत्र में निराश होते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं, तो हम उसको, अगर हम सच्चे विद्यार्थी हैं गणित के, तो हम जानते हैं कि नहीं, ये इसका तरीका है मेरे पास, इस विधि से नहीं हो रहा है, किसी दूसरी विधि से होगा, लेकिन होगा ज़रूर और इसका हल मुझे ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा मैथमेटिक्स, इस बात पर आप निश्चिंत रहिए, दृढ़ रहिए, बिल्कुल लेकर आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके एडवांटेज, ये तो मैंने ये अभी तक वैसे एडवांटेज ही बता रहा था, लेकिन मैं बता रहा था कि आपके गुण क्या डेवलप होंगे। अब ये जो गुण डेवलप होंगे वो निश्चित रूप से आपको फ़ायदे पहुंचाएंगे। जो मैंने 4-5 फायदे लिखे हैं, बाकी जो गुण हैं अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं दोस्तों, कि जितने गुण हैं वो सब फ़ायदा ही पहुँचाने वाले हैं। फिर भी देख लेते हैं कुछ एडवांटेज। जैसे पहला एडवांटेज है अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट्स। तो मैथमेटिक्स के यदि आप सच्चे विद्यार्थी हैं, तो आप अदर्स जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। तो सब्जेक्ट दोस्तों, यहाँ मैंने जो वर्ड यूज़ किया है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ पढ़ाई वाले सब्जेक्ट नहीं, जैसे हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री कह लें, वो तो हैं ही, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो सकता है, अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट उस समय वो है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका सब्जेक्ट मार्केटिंग है, आपका सब्जेक्ट कोई दुकान चला रहे हैं आप, वो सब्जेक्ट है। कुछ भी सब्जेक्ट है, क्या उसमें तरीका है काम करने का, क्या तरीका है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे हैपनिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है, वो सब आपको मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ रखी है, अगर आप उसके सच्चे विद्यार्थी हैं, तो आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके पढ़ाई से संबंधित भी हो सकते हैं, वो आपके दैनिक जीवन से संबंधित भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। दूसरा, डिसीजन मेकिंग इन एनी फील्ड। जैसे अगर आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई, हमारा पहला पॉइंट यही था, तो जब आपको नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली आप किसी भी फील्ड के डिसीजन बड़ी ही आसानी से ले पाएंगे, और क्विक डिसीजन होंगे वो, और एक्यूरेट डिसीजन होंगे, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं दोस्तों, हायर स्टडीज़, अब ये मैं आपको सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, अगर आप हायर स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स बहुत फ़ायदा करेगी। मैथमेटिक्स अगर आपको, अगर आप रॉकेट साइंस में जाना चाहते हैं, अगर आप स्पेस साइंस में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स का अगर आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको मैथ की नॉलेज अच्छी है तो ऑब्वियसली आपने हायर स्टडीज़ की है, और हायर स्टडीज़ अगर आपने की है तो प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको फ़ायदा देंगी। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आप बिना तर्क से, बिना लॉजिक लगाए आप प्रोग्राम नहीं बना सकते,
आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मैथमेटिक्स बहुत ही सहयोग करने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। जो हमने एडवांटेज बताए, जो हमने इसके क्वालिटीज़ बताई थी, जो गुण बताए थे, उन गुणों को ही अगर हम याद करें तो हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी लाइफ मैथमेटिक्स चेंज कर सकती है। आपके जो गोल्स आपने सोच रखे हैं, अपने मन में विचार कर रखे हैं, उन गोल्स को भी अचीव करने में मैथमेटिक्स आपकी सहायता करेगी, उन्हीं गुणों की वजह से जो गुण उसने आपके अंदर डेवलप किए थे। और ये फिर वही छठा जो पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ये वही है जो आप कंपेयर करने का स्किल जो आपके अंदर था कि क्या चीज़ मुझे अपने जीवन में छोड़नी है और क्या चीज़ पकड़नी है। आप सारी आपके पास 24 ही घंटे, आप सारी चीज़ें नहीं पकड़ सकते, सारी चीज़ें नहीं सब पर ध्यान रख सकते। आपको जब तक ये नहीं मालूम है कि मेरे को क्या किस चीज़ की आवश्यकता मुझे सबसे ज़्यादा है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, कि आपको पता है कि इस चीज़ की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है। तो बाकी इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, तो देखते हैं। रेस्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेट्स फाइंड आउट। आप खुद फाइंड आउट करो, आप जब पढ़ोगे आप खुद समझोगे, अपने जीवन में महसूस करोगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे अगर सच्चे विद्यार्थी आप मैथमेटिक्स के बनते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, इस पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टू लव इट एंड लर्न इट। अब हम अपने चैनल में आने वाले समय में हम नए वीडियोस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए डालेंगे, उनके टॉपिक्स के लिए डालेंगे। साथ ही कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त, जैसे उन्हें परसेंटेज या डिस्काउंट या वर्क टाइम के कुछ जो टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कंपटीशंस में, उनके लिए भी हम वीडियो डालेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।